नमस्कार। जीवन की बात चैनल से मैं कमल आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं, महाकाली भाग दो। जैसा कि पहले मैंने वीडियो में दिया था आपको महाकाली के बारे में, आज मैं कुछ और भी बातें बताने जा रहा हूं आपको, तो आप बड़े ध्यान से सुन रहा दोस्तों। महाकाली ये जितनी आसुरी शक्तियां थी, राक्षसी शक्तियां थी, उनको समाप्त कर देवताओं को भयमुक्त किया था, संसार को भयमुक्त किया था। महाकाली संतान और भक्तों के लिए वात्सल्य की साक्षात मूर्ति है और ये राक्षसों का वध करके अट्ठास करती हुई शिव के ऊपर भी पैर रखती है। जब शिव लेटे होते हैं उसके ऊपर पैर रखती है। ये संसार को किसी को नहीं छोड़ना चाहती, जितने भी राक्षस थे सबका वध कर दिया था महाकाली ने। तो यहां मैं आपको बता देता हूं, इसके ना चार रूप हैं। जिस चार रूपों के अंदर हम देखें तो घर में पूजने वाली काली ही तो है, यह चार भुजी, और शमशान काली भी है, भद्रकाली भी है और गुहा काली भी है। और गुहा काली है वहां बलियां चढ़ती हैं, जो घर में पूजने वाली काली है उसकी चार भुजाएं होती हैं, और जो शमशान काली है उसकी दस भुजाएं होती हैं। ये ध्यान रखना कि दस भुजा वाली मूर्ति कभी भी भूल कर भी घर में मत लाना। जब भी घर में मूर्ति लाई जाती है तो चार भुजा वाली लाई जाती है और 9 इंच से नीचे हो, 9 इंच से ऊपर की मूर्ति घर में नहीं रखी जाती, कोई भी नहीं रखी जाती, सिर्फ गणेश जी की रख सकते हैं आप। तो आगे हम चलते हैं कि इसकी 10 महाविद्या है और ये आदिकाल आदि शक्ति जो है माता का पहला रूप है। और देखो कुछ ऐसा विषय है कि कुछ लोग मेरे से दीक्षा लेना चाहते हैं। दीक्षा तो मन से होती है और आचरण अच्छा करना पड़ता है, बहुत चीजें छोड़नी पड़ती हैं, बुराई तक भी छोड़नी पड़ती है तभी दीक्षा होती है। तो मैंने 44 लोगों को मैंने दीक्षा दी है, जिसके अंदर वो छोटी मोटी सिद्धियां करते रहते थे। बगलामुखी है माता, 10 महाविद्या में बगलामुखी बहुत बहुत मानी हुई है, जो शत्रुहरण है, बहुत भयंकर रोग भी ये ठीक कर देती है। तो लोग लेते हैं मेरे से दीक्षा, लेकिन मैं इतनी जल्दी देता नहीं हूं। अभी मैंने अगला बैच शुरू नहीं किया है, ये अगला बैच मैं दिवाली के आसपास शुरू करूंगा। तो यहां मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताऊंगा, जो मेरे साथ परीक्षित जो हुआ मेरे साथ। तो ये आप समझ लें कि मां की गोद में 1,75,000 शक्तियां बैठती हैं। ये शक्तियां कौन सी हैं जो बैठती है मां की गोद में? ये आसुरी शक्तियां हैं, ये देवताओं की शक्तियां हैं, ये माता की गोद में बैठ के विश्राम करती हैं। और बहुत विशाल है महाकाली। और मैं ये बात आपको बता दूं कि कुछ लोग जो है कहते हैं जी गुहा काली पे मांस चढ़ता है, मदिरा चढ़ती है, बलियां लगती हैं, महाकाली के अंदर भी बलियां करी जाती हैं। इसका कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं है शास्त्रों में। खासकर व्यास ऋषि ने इसके ऊपर बहुत अच्छा बोला है कि महाकाली को कभी भी मांस मदिरा नहीं चढ़ती, बल्कि गर्म जड़ी बूटियां का सर्दियों में थोड़ा सा बौख पानी करते हैं देवी का। तो वो समय था, अब ये समय है कि उस प्रथा को इस प्रथा तक लाते लाते उसको मांसाहार में बना दिया गया। तो अब धीरे धीरे मांसाहार का ही सेवन शुरू कर दिया। और जहां गुहा काली में बलियां दी जाती है उसका मकसद नहीं है लोगों को मालूम, वाम शास्त्र नहीं पढ़े हुए लोगों ने। आप जब अपना लिटरेचर ही नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे मालूम होगा? वाम शास्त्रों में वर्णन है कि माता को ना तो श्राप चढ़ती है, ना कोई मांस चढ़ता है, ना कोई खून चढ़ता है, ना कोई बलि दी जाती है। बलि सिर्फ दी जाती तो गुहा काली को बलि दी जाती। किसकी किसकी बलि दी जाती है? जो व्यक्ति अनैतिक कर्म करता है, दूसरों को मारता है, समाज को बर्बाद करता है, जो पशु पागल हो जाता है, दूसरों को मारने लगता है, वहां देवी ने बोला हुआ है। जब अंतर ध्यान हुई थी देवी तो गुहा काली में उसने बोला था उसकी बलि यहां देंगे। अब हो तो सारा उल्टा गया, ये बेजमानों की बलि देनी शुरू कर दी वहां पे। ये बलि देंगे तो हमारी मनोकामना सिद्ध होगी, मां प्रसन्न होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल भ्रम में ना रहना। और मैं बताता हूं कि महाकाली के जो गोद में एक
1,75,000 शक्तियां बैठती है, उसका कारण क्या है कि उसके अंदर राक्षस शक्तियां भी है, देवती शक्तियां भी है। तो वो होता क्या है कि जो राक्षस शक्तियां होती हैं, तो कोई पदार्थ चढ़ता है तो उसको उसका वो स्मेल लेती हैं उसके अंदर, वो उसको महसूस करके और वो जो है उसका वो काम पूरा करती हैं। लेकिन दोस्तों माता को तो पता लग जाता है, माता तो उसको मार देती है। क्यों? क्योंकि नैतिक काम है, जहां इतनी शक्तियां होंगी वहां कोई ना कोई तो गड़बड़ मामला चलता है। तो आप समझने का, मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि माता को कभी भी मांस मदिरा नहीं चढ़ती, ये सिर्फ ढकोसला है, ये इन्होंने खाने पीने का कोई सिस्टम बना दिया गया है और ये सारी चीजें हैं। अब मैं आपको और आगे चलता हूं कि ये देखो 9 इंच के से ऊपर मूर्ति नहीं रखनी। मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में मैंने काफी अच्छी बातें बताई हुई हैं, जो महाकाली बाग 1 है तो ये बाग 2 है। अब ये मैं आपको बता दूं, जो माँ है ना इसकी, जो राक्षसी योगिनी और भैरवी इसके साथ रहे बहुत कारगर है, बहुत अच्छी साधनाएं है, ये योगिनी साधनाएं कर रहे हैं लोग, मैंने कई लोगों को दिए कर रहे हैं, क्योंकि बिना गुरु के तो आप साधना कर ही नहीं सकते। और गुरु ऐसा नहीं कि बहुत दिखावा किया हो, बड़े बड़े तिलक लगा रखे हो, बगले डाल रखे हो, मालाएं हो, दो पैसा नहीं आप पता होता उनको क्या चीज है। मैं आपको बताता हूं इसके लिए बहुत सिंपल होना चाहिए व्यक्ति को, उसको ज्ञान होना चाहिए, और किसी गुरु के नीचे उसने 30-40 साल लगाए हो, हमने लगाए हुए हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो इसकी राक्षसी योगिनी और भैरवी साधना है बहुत कारगर साधनाएं हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं साधनाएं जो भी करनी हो तो गुरु की आज्ञा के बगैर कैसे करनी है, क्या विधान है। तो एक मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इसके बीच में 2 मिनट मैं आपका लेना चाहता हूं। एक सज्जन वैन चलाते थे मेरे पास आए, तो कहने लगे यार मुझे तो बगलामुखी की सिद्धि करनी है, तो आप गुरु जी आप मेरे को ये बगलामुखी की सिद्धि कराए। उसके मुंह से मुझे स्मेल आ रही थी, शराब पी रखी है उसने, तो मैं समझ गया कहानी ये बंदा ठीक नहीं है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो तुम नहीं कर पाओगे ये चीज, तुम ये चीज नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम मुझे लगता है शराब पीते हो। क्या शराब पीता हूं, मांस खाता हूं, सब काम करता हूं, पर उन्होंने बगलामुखी सिद्धि जरूर करनी है, आप मेरे पे कृपा करो। वो पैर पकड़े जाए, मैंने उसको मना कर दिया, मैं कहा मैं नहीं दे सकता आपको। कहता आप नहीं दोगे तो मैं अपने आप ले लूंगा, कोई किताब ले लूंगा बगलामुखी सिद्धि की, मांस मंत्र लेकर मैं सिद्धि शुरू कर दूंगा। वो हुआ यही कि उसने सिद्धि शुरू कर दी, भुगरा की किताब ले आया, ठीक है उसको कुछ चीज ज्ञान हो गया उसको पढ़ के कि ये पीली चीजें होनी चाहिए, पीने वाला पानी पीला हल्दी का रंग डाल हल्दी डालनी चाहिए, चीजें तो बहुत चीजें वो समझ गया कि जमीन पे सोना है, लेकिन आचरण तो ठीक नहीं है ना। वो 3 दिन बाद मेरे पास आया तो कहने लगा, कहता गुरु जी मैं तो बड़ा परेशान हूं। मैं कहा यार तेरी तो आंखें लाल और ऊपर चढ़ी हुई है। कहता मेरे सिर के 2 टुकड़े हो रहे हैं, मैं बड़ा परेशान हूं, 3 दिन हो गए मुझे सिद्धि करते, आज तो मैं कान पकड़ ली मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैं कहा कितने मंत्र रोज कर रहे हो? मूल मंत्र करते हो बगलामुखिया? कहता मूल मंत्र करते हैं। तो मैंने पूछा क्या मंत्र जपते हैं आप? तो उसने बोला ओम ओम अली ह्रीम बगलामुखे सर दुष्टा नाम वाचव मुखम पदम स्तंभे जीवा के लिए बुद्धि विनाशी उंगली। एक बीज मंत्रों गलत बोल रहा था, एक बीज गलत मंत्र से ही सारी कहानी बिगड़ जाती है। मित्रों मैं आपको सजनों आज बताना चाहता हूं, जब तक कोई गुरु और जब तक किसी की देख रेख ना हो तो कोई भी किसी भी तरह का इस तरह का सिद्धि या कोई चीज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप साधारण भक्ति करते जाए उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसको एक उसको ये था कि एक सरदार जी ने सिद्धि कर रखी है, वो बगलामुखी सिद्धि की है, विदेशों में जाते हैं करोड़ रुपया लेते हैं, मुकदमे जलाते हैं, मुकदमे जिता देते हैं और बीमारियां ठीक करते हैं, दुनिया भर के वो सब सरदार जी काम करते हैं। कहता मैं तो जहां बगलामुखी में फोटो लेने गया तो दुकानदार कहता ये तो इसकी तो 55 लाख की गाड़ी है, ये देख ये दिल्ली है, अब ये बाहर देशों में घूमता रहता है, बहुत पैसा कमाता है, बगलामुखी सिद्धि है इसके पास। तो मैं समझ गया ये लालच में आ गया है। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा तेरे बस की नहीं है, क्योंकि तू ऐसा कर, तुम पहले तो ये मंत्री गलत बोल रहा है। देखो ओम हरीम, हरीम सरस्वती है, ये हरीम लक्ष्मी का रूप में माना जाता है, हरीम के अंदर रात है, और वो जो बगलामुखी का बीज मंत्र है उसमें हा में ला आता है, ओम हलीम होता है, ओम हली ला, ओम ली बगलामुखे सर दुष्ट नाम वाचा मुख पदम स्तंभे जीवा के लिए बुद्धि विनाशी उंगली। तो ये मंत्र तो उल्टे पढ़ लिए उसने, बेड़ा गर्क भी हो गया और वैसे भी वो कामयाब नहीं होने वाला था।
क्योंकि इसके अंदर उल्टा हो जाता है। आप कहीं सोचो कि इस तरह हम पैसा कमा लेंगे तो हम सुखी रहेंगे, कभी सुखी नहीं रहता है। पैसा फलता नहीं है, ये चीजें इस तरह काम नहीं करने चाहिए। सिद्धि का मकसद होता है कि आप किसी का भला कर सकते हो तो ठीक है, उस वो जो आपकी भावना उसके उस तक तो मैं ठीक मानता हूं, आगे मैं ठीक नहीं मानता। देखो सजनों, 64 योगिनियां होती हैं। अब 64 योगिनियों के अंदर क्या है, आपने सुना होगा, जय अम्बे गौरी माता श्यामा गौरी तुमको निश्चिंत आवत हरि ब्रह्मा जी शिव जी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव, माता नृत्य करत भैरव, बाजा ताल मृदंगा और बाजा डबरू, माता जय अम्बे गौरी माता श्यामा गौरी। ये 64 योगिनियों में किस योगिनी की सिद्धि करना चाहते हो, हम तो करा देंगे, लेकिन आदमी सात्विक होना चाहिए, आदमी विचार अच्छे होने चाहिए। ये अगर मिस यूज करते हैं किसी चीज का तो उसका अंत तो निसंदेह खराब है, आप समझ के चले। और देखो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को इन्होंने भगवान बनाया, शिव के साथ आई, शव को शिव बनाया और पार्वती बन के, और इस तरह राधा श्री कृष्ण के भगवान के साथ आई, इस तरह सीता राम भगवान के साथ आई, विष्णु के साथ लक्ष्मी बन के आई। तो अर्थात ये ऐसी देवी है, इसने सबको भगवान बना दिया, इतनी शक्तिशाली देवी है। और देखो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो खराब नहीं होती, इंसान का शरीर भी खत्म हो जाता है, हर चीज सड़ जाती है एक दिन, ये तो आप मानते हैं। जब हर चीज सड़ जाती है तो जो चीज सड़ गई, जो मृत व्यक्ति हो गया, खत्म हो गया, वो हर चीज को अपने में ले लेती है। अर्थात हर बुरी चीज है, काली पड़ गई, खराब हो गई, वो सब अपने में समेट देती है, उसको फिर 7 रंगों में परोकर फिर दोबारा से नया जीवन देती है। ऐसे इसको बोलते हैं महाकाव्य, मृत व्यक्ति को भी आगे जीवन देती है। तो ये सब चीजें हैं। और ये आप देखो एक कामाख्या सिद्धि होती है, इसके अंदर जो 10वां विद्या है बगलामुखी, मैंने बताया कामाख्या सिद्धि है, जून के महीने में मेला लगता है और ये गुवाहाटी में इसका बहुत प्रचलित, बहुत मंदिर, बड़ा प्रचलित मंदिर है, बहुत भीड़ रहती है, बहुत साधक रहते हैं वहां पर और सिद्धियां करते हैं माता की। और जून के महीने में माता का योनि का कपड़ा प्रसाद के रूप में थोड़ा सा दिया जाता है, क्योंकि महीना होता है जून के महीने में माता का ना, तो जो कपड़ा होता है लाल सा होता है उसको थोड़ा सा प्रसाद के तौर पे सबको इतना सा काट के दिया जाता है, वो रखते हैं और घर में बहुत बरकत रहती है उससे, ये बहुत अच्छी चीज है। और रामकृष्ण परमहंस के बारे में बात बताना चाहता हूं कि जो महाकाली के पास पहुंच जाता है वो फिर तो सात्विक ही होगा ना। काला रंग का मतलब है शांत और सात्विक, सारे रंगों को लेके वो काला रंग बन जाता है और फिर 7 रंगों में परोके फिर खुशियां देता है। तो रामकृष्ण परमहंस ने माँ काली के ऊपर बहुत, माँ का बहुत गहरा भगत था, वो चाहता था माँ मुझे दर्शन दे, मैं माता के दर्शन करना चाहता हूं। तो उसने उसकी शादी भी कर देगी घरवालों की जबरदस्ती से, पहले ही दिन वो कमरे में माँ जब लेके आया अपनी बहू को तो उसको भी एक चौकी दी, यहां बैठो, उसको वहां बिठाया तो कहने लगा भाई मैं तो माता का जा रही हूं, मैं तो इसके बगैर मुझे कोई लेना देना नहीं किसी से। तो उसने उस अपनी जो बहू थी उसको पैर पकड़ लिए घरवाले के और कह दिया कि आज से तू मेरी मां है। ऐसा चरित्र राम कृष्ण परमहंस का। और स्वामी विवेकानंद जी उसके पास भी पहुंचे एक बार तो कहने लगे भी मुझे शिष्य बनाओ, तो कहते शिष्य तो मैंने बना लिया आपको, अब आप चाहते क्या है। तो जो था इनका वो चाहते थे मैं भी कुछ सिद्धियां करूं, इस तरह की चीज करूं। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि आज रात आप रुको यहां पर, वो रुके। तो रामकृष्ण परमहंस ऊपर हो जाते थे फिर नीचे जाते थे, फिर ऊपर जाते थे फिर नीचे आते थे। तो थोड़ा सा इस तरह उनके अंदर शक्तियां तो थी, सब कुछ होना शुरू हो चुका था। तो वो विवेकानंद तो डर गए, कहते भी नहीं मेरे बस की नहीं है, मैं तो चला जाऊंगा सुबह। वो चले गए और आशीर्वाद दिया, उन्होंने आशीर्वाद लेके चले गए। ये देखो जी हर बुरे विचार को अपने में ले लेती है, मेन ये चीज है। अब लोगों को पता ही नहीं है, ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं उसमें उसको नाचते हुए दिखाते हैं, म्यूजिक बड़े बड़े चला देते हैं, ये ऐसा निराधार नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत सात्विक देवी है। इसका तो ये ऐसे ही है कि बुराई को खत्म करने वाली देवी है, तो आप ऐसे ही उसको प्रदर्शन नहीं करना है, वो नृत्य नहीं करे दिखाना ज्यादा, उसका देवी है वो, उसको पूज रहा है, वो माँ का रूप है। तो इस तरह आप ये समझिए, मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना कि मां ने क्या कहा। आरंभ मैं हूं, अंत भी मैं हूं, मैं निर्गुण हूं, सर्वव्यापनी मैं हूं, आदि शक्ति मैं हूं,
पार्वती मैं हूं, मैं अविनाशिनी हूं, सर्वशक्तिमान हूं, सर्वशक्तिमयी हूं, परमेश्वरी मैं हूं, चेतन परम स्वरूपनी महाशक्ति मैं हूं, विश्व रूपी विराट पुरुष मैं हूं, संहारकर्ता मैं हूं, कृष्ण मैं हूं, सृष्टि रचना में मैं हूं, माया शक्ति मैं हूं, सगुण मैं हूं, महालक्ष्मी राधा मैं हूं, दया क्षमा निंद्रा स्मृति श्रद्धा तृष्णा तृप्ति श्रद्धा भक्ति धृति मति तुष्टि पुष्टि शांति कांति लज्जा भी मेरी शक्तियां है। दुर्गति नाशिनी मैं हूँ, वाणी विद्या मैं हूँ, सरस्वती सावित्री गायत्री मैं हूँ, जड़ चेतन मैं हूँ, महाकाल की छाती अट्ठहास करती मैं हूँ, नील वर्णा मैं हूँ, काल की शक्ति मैं हूँ, शशि शेखरा मैं हूँ, मुक्त केशी निर्विकार हूँ, त्रिनेत्रा मैं हूँ, विनोत प्योधरा मैं हूँ, कंठ वसन सक्त कुंडली पहने मैं हूँ, कराल वंदना मैं हूं, सोभे सात्विक स्वरूपा मैं हूं, महाकाल सुरता मैं हूं, नित्य यौवनवती मैं हूं, शक्ति त्रिदेव रूप धारिणी मैं हूं, काली कराल मनोजवा सुलोहिता सुदूर वर्णा सुफूलिंगनी विश्वरुचि लीला यमना कर्ता मैं हूं, काली महाकाली भद्रकाली मंगला काली दक्षिण काली शमशान काली गुहा काली सिद्धि काली कामकला काली हंस काली जयंत काली रूपी भी मैं हूं, काली तारा षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्तका धूम्रावती बगलामुखी मातंगी कमला येलिका, ये दस मेरे भेद है ये भी मैं हूँ, चिंता मणि काली स्पर्श काली संतति प्रदक काली सिद्धि काली दक्षिण काली कामकरा काली हंस काली गुहा काली, ये जितने भी मेरे उपरूप है ये भी मैं हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।